पूरा इतिहास को ही बदलना चाहता है, इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है? ये लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान के जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे, क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है या योजनाओं का नाम बदला है या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ है भैया? क्या फायदा हुआ देश को इससे? और नाम बदलने में इतना खर्चा होता है, पूरा इतिहास को ही बदलना चाहता है, इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है? ये लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान के जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे, क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है या योजनाओं का नाम बदला है या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ है भैया? क्या फायदा हुआ देश को इससे? और नाम बदलने में इतना खर्चा होता है, पूरा इतिहास को ही बदलना चाहता है, इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है? ये लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान के जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे, क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है या योजनाओं का नाम बदला है या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ है भैया? क्या फायदा हुआ देश को इससे? और नाम बदलने में इतना खर्चा होता है।